श्री पेमा ने आज तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने आज अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण समारोह ईटानगर में आयोजित किया गया था, जिसमें राज्यपाल समेत कई प्रमुख हस्तियां और राजनीतिक नेता उपस्थित थे। श्री खांडू ने अपने पिछले कार्यकालों में राज्य के विकास और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने राज्य की जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। शपथ ग्रहण के बाद श्री खांडू ने अपने संबोधन में कहा कि वे अरुणाचल प्रदेश के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन के क्षेत्रों में सुधार लाने का वादा किया। श्री खांडू ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और सुशासन पर जोर देगी, जिससे राज्य के प्रत्येक नागरिक को लाभ हो सके। समारोह में उपस्थित प्रमुख नेताओं ने श्री खांडू को बधाई दी और उनके नेतृत्व में राज्य के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस महत्वपूर्ण अवसर पर श्री खांडू ने अपने परिवार, समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनकी इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यूज डेस्क आमार आशा। And the law without fear or favor, affection or ill will. I, Pema Khandu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Chief Minister for the State of Arunachal Pradesh, except as may be required for the duties for the due discharge of my duties as such Chief Minister.